ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना की पुलिस टीम ने लूट, अपहरण, चोरी, शराब तस्करी की घटना में संलिप्त कुख्यात वांछित अपराधी सहित आधा दर्जन अपराधियों को अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशीष भारती ने बताया कि सासाराम थाना क्षेत्र के कुराइच मोहल्ला निवासी अमित कुमार उर्फ अमित चौधरी के अलावे मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बेदा निवासी राम सवार्थ यादव के दो पुत्र सोनू यादव व मोनू यादव, सासाराम शहर के खिड़की घाट मोहल्ले के हरि यादव के पुत्र सोनू यादव, दरीगांव थाना क्षेत्र के भताड़ी गांव निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार शामिल है। गिरफ्तार अपराधी अमित कुमार उर्फ अमित चौधरी पर रोहतास जिले के अलावा भोजपुर के साथ साथ झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने मीडिया को बताते हुए कहा कि जिले में उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इससे सासाराम में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी। उसको छुपा करके रखा गया है और वहां से सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। सोनू कुमार के अतिरिक्त वहां पे पुलिस को जब पुलिस टीम वहां पे पहुंची थी गिरफ्तारी करने के लिए, तो प्रदीप कुमार तथा उनका लड़का विशालदीप वो पुलिस को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा करके अपराधी को भगाना चाह रहा था, तो उसको भी इस मामले में पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा जो गिरफ्तार अपराधी है सोनू कुमार, उसको पुलिस के अभिरक्षा से भगाने का प्रयास किया गया था, परंतु पुलिस के द्वारा तीनों को गिरफ्तार किया गया। उसके अतिरिक्त गुप्त सूचना के आधार पर जो अन्य वांछित अपराधी हैं अमित कुमार उर्फ अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी जो लोग हैं ये कई मामलों में वांछित हैं और कई मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। सोनू कुमार पे कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिसमें सासाराम नगर थाना कांड संख्या 86/19, 800/19, 154/19 और सासाराम दरीगांव थाना कांड संख्या 135/19 और सासाराम नगर थाना कांड संख्या 910/18, ये इसमें ये 5 मामलों में शामिल रहा है, जिसमें मुख्यतः जो अधिकतर मामले हैं वो लूट के हैं, शराब व्यवसाय के हैं और साथ ही साथ चोरी का भी मामला उसमें शामिल है और चोरी का सामान भी उसके साथ बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त जो अभियुक्त मोनू कुमार है उर्फ अभिमन्यु कुमार, ये 6 कांडों में वांछित था और एक में पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, तो इसके ऊपर कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर मामले सासाराम नगर थाना के हैं, 1 मामला दरीगांव थाना का है और 1 मामला यूपी का है, अदलहाट थाना, वहां पे शस्त्र अधिनियम आर्म्स के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें ये अभी फरार चल रहा था। इसके अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति अमित कुमार उर्फ अमित चौधरी, यह 6 कांडों में वांछित है, 2 में आरोप पत्रित है और 1 में गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है, अर्थात इसके ऊपर कुल टोटल इसके ऊपर 10 मामले दर्ज हैं। अधिकतर मामले सासाराम नगर थाना के हैं और कुछ मामले अग्रेर थाना और सिविल लाइन थाना गया जिला का है, दरीगांव थाना का है और रांची का भी इसमें मामला है और भोजपुर में जगदीशपुर का मामला है। इसके अतिरिक्त सोनू यादव जो कि पूर्व से 394 का मामला जो लूटपाट का मामला था उसमें वांछित चला रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये सासाराम नगर थाना कांड संख्या 345/20 में वांछित था और इसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और जिसमें ये 4 लोग हैं और इनको जो शरण देने में जो लोग शामिल थे प्रदीप कुमार तथा विशालदीप कुमार, जो जिन्होंने इनको शरण दिया था और साथ ही साथ जब पुलिस टीम इनको पकड़ने गई थी तो उनको छुड़ाने का प्रयास किया था, तो इस पूरे जो कार्रवाई है उसमें 1 सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 1 काला रंग की अपाचे मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और निसंदेह इस कार्रवाई से जो सासाराम टाउन है तथा उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पे अपराधी गतिविधियों में काफी कमी आएगी।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी। खबरों की पड़ताल। सुपौल पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने त्रिवेणीगंज पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपराध विवरणी पंजी का भी निरीक्षण किया। इसी क्रम में एसपी ने लंबित विवेचनाओं के सिद्ध निस्तांतरण करने व वांछित फरार अभियुक्तों व अपराधियों की गिरफ्तारी का भी निर्देश जारी किया। उन्होंने विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन कर सभी अपराध अभिलेखों व पंजियों के सुव्यवस्थित रख रखाव सहित परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने व फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसे सिद्ध निस्तारण करने की आदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अंचल के सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने का भी निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ गणपति ठाकुर, अंचल पुलिस निरीक्षक शिव किशोर प्रसाद, त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, जदिया थानाध्यक्ष पंकज कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। थाना का सर इंस्पेक्शन किया जा रहा है? नहीं, थाना नहीं, इंस्पेक्टर ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहा है। अच्छा सर, वो लोग एक बात और कहा है, वो पीस को प्रदर्शन करने वाला नहीं है, वो लोग उनको मिलना चाहिए जी। उनको एक साल हो गए हैं जब पुलिस अधीक्षक हमको आए हुए हैं, अगर लगता है कि उनकी बातों में दम है तो निश्चित रूप से हमसे साक्षात्कार करें और हमसे सवाल जवाब करें, वो कि हमारा हक है और आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी। खबरों की पड़ताल। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया है। बिहार के सुपौल जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर विनय कुमार को सुबह 11:05 पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। राज्य में पहले दिन 30,000 रजिस्टर्ड लोगों को टीका दिया जाएगा। कोरोना टीकाकरण कार्य सबसे निचले स्तर पर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और ऊपरी स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और पटना एम्स में होगा। वही डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि सुपौल जिले में सभी केंद्रों पर कुल 600 लोगों का टीका दिया जाएगा। वही टीका लेने के बाद डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि टीका का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम खुद जिले में पहला टीका लिया और देख सकते हैं हमारे शरीर में कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं तंदुरुस्त हूँ। साथ ही जनता से उन्होंने अपील किया कि सभी लोग टीका के किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, आप सभी टीका जरूर लगवाएं। ये है, क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या मैसेज भी देना चाहेंगे? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। ये टीका बहुत ही अच्छा है और मुझे पहला पड़ा और ये मुझे मैसेज देने का भी मौका मिला कि डरने का कोई चीज़ नहीं है और ये दर्द भी बहुत नहीं के बराबर करता है, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया टीका दिए हुए, मेरे आवाज़ के टोन से भी आप लोग समझ सकते हैं कि कोई कमजोरी नहीं लाता है ये। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी पहले टीका लिया हुआ है ट्रायल में, मेरे दोस्त लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, सारे लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अब हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोग आइए, जब जब नंबर आता है तरीका से टीका ज़रूर लगाइए,
नहीं लगाएंगे तो ये बीमारी हमारे समाज से नहीं निकलेगी और हम लोग इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो जाएंगे। आज से 150 साल पुराना भारत बन जाएगा। ये क्या तैयारियां हैं और कितने लोगों को देना है, कहां कहां सेंटर बनाया गया है? जैसा कि पूर्व में बताया गया था, जिले में कुल 6 सेंटर बनाए गए थे। आज से कोरोना वैक्सीन जो अभियान है उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में सुपौल जिले में 6 केंद्रों पे आज 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। इस कड़ी में आज सदर अस्पताल में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहला वैक्सीन जो है वो डॉक्टर विनायक कुमार, उन्होंने स्वेच्छा से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको अभी दिया गया। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ हैं सर, इसको कैसे अपील क्या रही है? आप सबके माध्यम से यही सूचित करना चाहूँगा कि किसी ऐसी भ्रांतियों को लोग अफवाह के रूप में न फैलाएं। अगर कोई भी उन्हें यह बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, अगर कोई भी जानकारी उन तक दी जाती है तो जो हमारे चिकित्सक हैं, कंट्रोल रूम है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उन पर जानकारी लें। पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और लोग स्वेच्छा से प्रथम चरण के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो स्वेच्छा से आगे आकर ये वैक्सीन लें। पहला दिन कितने आदमी को लगेगा? 6 सेंटर पे 100 लोग, कुल 600 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। नवादा जिले में कोविड-19 कवच को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नवादा जिले को कुल 10,507 वैक्सीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वहीं 900 व्यक्तियों को वैक्सीन टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित भी की गई है। आपको बताते चले कि नवादा सदर अस्पताल में सदर SDO उमेश भारती ने फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किए। इस मौके पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी अनीता कुमारी को वैक्सीन दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी संजीव कुमार को भी वैक्सीन दी गई। जो टीकाकरण हुआ ये कोविड का वो यहीं पर हुआ है आरबी कैंप में। अब सभी जगह चालू हो गया क्योंकि पोर्टल वगैरह जो था हम लोगों को 11 बजे से ही चालू हुआ, तो उसके बाद से ही हम लोगों को वैक्सीनेशन देने का शुभारम्भ करना। सर वो आशा है MBBS है या? नहीं, वो हमारा जो हेल्थ है ये स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ है। ज्वाला राम है नाम, नहीं ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। भोजपुर के दक्षिणी इलाका इनसे रक्त रंजित हो गया है। घटना शुक्रवार रात्रि की है। भाकपा माले कार्यकर्ता कमलेश राम की हत्या सहार थाना क्षेत्र के इकवारी गांव में कर दी गई है। घटना के बाद भाकपा माले पार्टी ने सड़क जाम कर रोषपूर्ण नारेबाजी कर रहे हैं। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार कमलेश राम को गांव के ही किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सहार थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। रात्रि प्रहर में हत्या की सूचना जैसे ही भाकपा माले कार्यकर्ता को मिला, सभी लोगों ने सहार थाना का घेराव कर लिया। आनन फानन में सहार थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल लाया
तथा पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को मृतक के घर के पास छोड़ दिया। इस बात पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बिना मुआवजा लिए शव को देने की बातें पर अर्घ्य तथा आरा शहर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम के दौरान भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने हत्यारे की गिरफ्तारी तथा 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू हो गया ब्रिगेड बोरी आ जाएगी लहर उठा ला जाए। पुलिस बहुत बदमाशी कल रात में हमको टॉर्चर करो तो हम लोग के खेल जवा हो जवा पहले भी अभी आज करो अभी और करो ब्रिगेड बोरी आ जाए। सोन में डूब करके उनकी मौत होती है तो बीच के जो बालू घाट के जो बिचौलिया लोग हैं जो अपने रोजगार को कमाने के लिए हमारे बाल बच्चों को मार देते हैं, ये जो कमलेश राम जिनका उम्र लगभग 23 साल हुआ होगा और जो बीच के बिचौलिया लोग हैं, हो सकता है कि बालू घटवार के लोग भी हो और इन सभी लोगों ने मिलकर के इनकी हत्या करवाई और हत्या करवाने के बाद प्रशासन की रवैया को आप देख लीजिए। प्रशासन की रवैया ये होनी चाहिए कि उनकी परिवार के उनके शव को सुपुर्द करें, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है, चोरी चुपके से जहां 2 बजे रात से 1 बजे रात से लोग थाना के पास थे और प्रशासन एक तरफ कह रही है कि भाई आपका शव मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ चोरी चुपके जहां फट बयान होता है बयान में नहीं लिया गया और लाश का पोस्टमार्टम किया गया। एक तरह से ये लोकतंत्र का हत्या है और इसीलिए हम धार के प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि तुम अगर गफलत में हो कि हम पोस्टमार्टम कर देंगे और यहाँ से रोड जाम करके लोग चले जाएंगे तो तुम्हारी ये भूल है। हम लोग अभी थाना प्रभारी से जा रहे हैं वहाँ पर धार में और थाना पर हम लोग हाला बोलेंगे और थाने को घेराव करेंगे और हम लोग कहेंगे कि इनके जितने दोषी हैं इनके तमाम दोषियों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर हो, इनके परिजन को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिले। इसलिए आप जितने तमाम साथी लोग जुटे हैं तमाम लोगों से कहेंगे कि लाठी डंडा ले चलिए, एक तरफ शहर की प्रशासन रहेगी तो दूसरी तरफ आप तमाम लोगों का सहयोग रहेगा। आप तमाम साथी यहाँ पर 2 ट्रैक्टर है, 1 ट्रैक्टर पर महिला साथी हो जाएंगी तो हो जाएगा, 1 ट्रैक्टर पर पुरुष साथी हो जाएंगे और 2-4 ट्रैक्टर आ रहा है। इसलिए जो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला इनका नहीं है,
कल आपके बेटा के साथ भी होगा, कल हमारे साथ भी होगा, इसलिए इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना होगा। और पुलिस प्रशासन, ये जो तनसाही रवैया है, इस तनसाही रवैया के खिलाफ हम लोग को आगे बढ़ना होगा। इसलिए आप तमाम साथियों से हम अपील करेंगे कि तमाम साथी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए थाना पर हम लोग चलेंगे, चढ़ाई करेंगे और वही थाना पर थाना को हम लोग गेट बंद करेंगे और वहीं पर सौ रख करके हम लोग वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से अपील है कि आप तमाम साथी वहाँ पर आगे बढ़िए, आप तमाम साथी आप वहाँ पर आगे सभी हथियारों को गिरफ्तार करो, इसके परिजन को सरकारी नौकरियों 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। नवादा जिले के नादरीगंज प्रखंड के डोडहा पंचायत स्थित मोतनाजे गांव में गंगा नदी के जल संचित योजना द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने बिहार के सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को मोतनाजे पहुंचे, जिसकी सुरक्षा का चाक चौबंद नवादा और नालंदा के प्रशासन द्वारा किया गया। संचित जल से पेयजल आपूर्ति, सिंचाई जैसे बहुउद्देशीय कार्य संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा उद्धह योजना के तहत जिलेवासियों तक गंगा का जल पहुंचाने का बीड़ा उठा चुके हैं। उनके भागीरथी प्रयास को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यपालक अभियंता सरकारी अधिकारी व कर्मी लगातार कार्य को आगे बढ़ा रहे। गुरुवार को डीएम यशपाल मीना मतनाजी गांव में निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन जल संचय का जलाशय व जल शोधन संयंत्र का भौतिक निरीक्षण किया। करीबन 27 एकड़ भूमि पर हो रहे परियोजना का कार्य नारदीगंज स्थित दोहरा पंचायत के मोतनाजी गांव में गंगाजल उद्धह योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके लिए गाँव में 27 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है, जिसमें कई किसानों का कुछ रैयती जमीन भी अधिग्रहण कर ली गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गंगाजल को शुद्ध करके पेयजल के रूप में सप्लाई करने पर काम जारी है। पड़ोसी जिला नालंदा के घोरकटोरा से भी जल संग्रह केंद्र बनाया गया है। यह जल संग्रह के लिए 350 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया है। योजना के तहत मोकामा से गया तक गंगाजल लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित है। पाइपलाइन की लंबाई है करीबन 148 किलोमीटर। गंगाजल उद्धह योजना पाइपलाइन की लंबाई करीबन 148 किलोमीटर है। परियोजना पर तकरीबन 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मोकामा के मराची पंप हाउस से घोरकटोरा तक पाइपलाइन बिछाया जाना है, जो तकरीबन 71.4 किलोमीटर लंबा है। इस स्थल पर जल संग्रह किया जाएगा, वहीं से पाइप का बिछाकर मोतनाजे गांव तक लाना है, जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गंगा जल को शुद्धिकरण होगा। उसके बाद इस गाँव से गया जिले के 73 गाँव तक पाइपलाइन बिछाया जाएगा। इस गांव में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होनी है। इसके बाद तेतर गांव स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन बिछाकर गया तक गंगाजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। वाह रे सुशासन बाबू, आप तो सत्ता पर काबिज होते ही गए थे, अब की बार स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। बिल्कुल ध्यान दिया आपने, स्वास्थ्य विभाग पर आपने इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि लहूलुहान मरीज अपने हाथों में पानी का बोतल लेकर एक्सरे कराने के लिए निकल पड़ा। जरा ये नजारा देख लीजिए सुशासन बाबू, ये नजारा भोजपुर जिले के ISO मान्यता से नवाजा गया आरा सदर अस्पताल का है। मंगल कामना का वास्ता देने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी, आप भी जरा देख लीजिए, घायल मरीज इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जाता है, वहां से उतरने के बाद स्ट्रेचर के लिए परिजन दर दर के ठोकर खा रहे हैं। जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो परिजन उसे पैदल ही OPD में इलाज के लिए लाने लगे। लहूलुहान मरीज का हाल बेहाल हो रहा था, स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहा था। कि बिना स्ट्रेचर के ही मरीज हाथ में पानी का बोतल लेकर घूम रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उन लोगों का? ऐसा होता नहीं, ऐसा होता कल नहीं। कल मरीज एक घूमा था सर, नहीं तो हमको उसका ब्लड पूरा एकदम गिर रहा था। नहीं, नॉलेज में कोई हमको नहीं दिया, वहाँ ऑलरेडी स्ट्रेचर है, ऑलरेडी मिल हटो सुनो। तो देखा आपने कैसा है भोजपुर का आरा सदर अस्पताल, यहाँ की गर्मियों के दिल पत्थर के हो जाते जब कोई मरीज इलाज के लिए आता है। सरकार के करोड़ों रुपए का फंड अस्पताल के विकास में लगा है, इनके नुमाइंदों को यह भी नहीं पता कि अस्पताल में इस तरह की घटनाएं भी घट रही है। जब पत्रकारों ने आरा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से जानकारी लेना चाहा कि अस्पताल परिसर में बिना स्ट्रेचर का मरीज लाया जाता है, वो भी वैसा मरीज जो लहूलुहान हो, तो क्या कहते हैं सिविल सर्जन महोदय, आप भी जरा सुनी लीजिए। जो जख्मी था उनका कहना था कि हमने स्ट्रेचर की मांग की, लेकिन यहाँ जो प्रबंधन थे लोग स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करते। कहाँ जाना था? तरह की हमें एक्सरे में जाना था, एक्सरे में। उसके लिए निश्चित रूप से हम देखते हैं, पूरा उसका ब्लड एकदम चाकू लगा पूरा ब्लड गिर रहा था। स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, सर खबर चलने के बाद कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान की जाएगी। अगले बार भी एक बार किए थे, कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो कि बाहर निकाल दिए कि नहीं है, लेके फोटो खींच दिए, हॉस्पिटल को बदनाम करना। ना ना, खुद मरीज बोल रहे हैं, खुद मरीज ही बोल रहे हैं कि हमको स्ट्रेचर नहीं दिया गया, देने वाला नहीं दिया, तो अपना निकल गए। हटो सुनो, तो सुना आपने, ये सिविल सर्जन आरा ने मीडिया को ही नसीहत देना शुरू कर दिए, और सबसे बड़ी बात तो ये लहूलुहान मरीज के विषय में कह रहे हैं कि खुद मरीज आरा सदर अस्पताल को बदनाम करना चाहते हैं।